सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब सेंट्रल औजार हैं, उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। हाँ संजय, कि कांग्रेस कास्ट सेंसस को इसलिए ला रही है, ला के वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न पैदा करना चाह रही है। और ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि ये कास्ट सेंसस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का, राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसीज की होनी चाहिए, दलितों को होनी की होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है, सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने का है, देने की बात है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है, और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। ये प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है। और आप देखना, डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में, एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। राहुल जी एक दो सवाल और ले सकते हैं? हाँ, मौसमी। राहुल जी ये पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा क्योंकि जो बची कुची अगड़ी जाति कांग्रेस के साथ है वो चिटक जाएंगी, तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सौदा? ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है, इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50-60-70-80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे, ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। जी राहुल जी, आपने कास्ट सेंसस के बाद इकोनॉमिक सर्वे की बात कही है, वो क्या इकोनॉमिक सर्वे स्टेट में भी होगा क्या, कांग्रेस रूल स्टेट में, एक चीज। और दूसरा, आपने पार्लियामेंट में कहा था कि आपके पास जो कास्ट सेंसस का डेटा है वो आप अनाउंस करेंगे अगर सरकार नहीं करती है तो। नहीं, तो मैंने ये नहीं बोला। देखिए हमारे पास कास्ट सेंसस का डेटा नहीं है, क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, तो ये मैंने कभी नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि हिंदुस्तान की सरकार के पास कास्ट सेंसस का डेटा है, हिंदुस्तान की सरकार को उस डेटा को रिलीज कर देना चाहिए, और अगर हिंदुस्तान की सरकार उस डेटा को नहीं रिलीज करेगी तो जब हमारी सरकार आएगी पहले दिन हम उस डेटा को रिलीज कर देंगे। हाँ रवि, सवाल
आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की, देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है, पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए ये मजा, देखिए इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरा मैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी, मेरा सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब इसका क्या कनेक्शन है? हम कह रहे हैं कि जो इस देश के गरीब लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, वो हैं कितने, हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कनेक्शन क्या है? ये वही बात है डिस्ट्रैक्ट करने का, कि भैया उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे, एक है। हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है, यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा, उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं। हिस्सेदारी में ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है, दलित वर्ग को कितना मिल रहा है, आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, ये हिस्टोरिकल सवाल है। और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो इकोनॉमिक मॉडल होगा, पॉलिटिकल मॉडल होगा, इसी बेसिस पे बनेगा। मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के 10 स्टेट्स हैं, एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जा रही है, राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। नहीं, सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है, और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जो गहलोत जी ने हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो बनाया है, शायद वो दुनिया में एक ऐतिहासिक हेल्थ केयर का सिस्टम राजस्थान की सरकार ने बनाया है, और जो काम राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, ऐतिहासिक काम किया है। कर्नाटक में हमारी जो 5 गारंटीज हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स हैं, वो अनमैच्ड है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप पूछ लीजिए, आपको ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, जो उनको धान के लिए दाम मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है हिंदुस्तान में, जो कनेक्टिविटी उन्होंने बनाई है, जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाए हैं,
जो ऐतिहासिक काम किया है। और अगर सुक्खू जी के बारे में समझना चाहते हैं तो जब हिमाचल को चोट लगी तो उनका रिस्पॉन्स जो था, जमीनी रिस्पॉन्स, लोगों के बीच में जाकर रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स शायद मैंने तो पहले नहीं देखा है। तो हमारी जो चार सरकारें हैं अच्छा काम कर रही हैं, मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में भी, मैं अभी जा रहा हूँ, काफ़ी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। एक दो कारण हैं, बेरोजगारी, महंगाई और जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि अदानी जी जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, देश के पूरे एसेट्स उनके हाथ पड़ रहे हैं और किसान हैं, मजदूर हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। तो इसीलिए हम प्रेपरेशन कर रहे हैं, कास्ट सेंसस हमारा फाउंडेशन है, मगर जो राजस्थान में इन्होंने हेल्थ केयर के लिए किया वो हम नेशनल लेवल पे करने की सोच रहे हैं। जो किसानों के लिए ये कर रहे हैं, जो इनका सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो हम इसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी सोच है कि जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर का विजन दिया है, हम देश को मोहब्बत, रिस्पेक्ट और भागीदारी का विजन दें। और मुझे लग रहा है कि देश का जो मूड है वो बिल्कुल बदल चुका है। और ये बात अभी बीजेपी वालों को समझ नहीं आई है, मगर कुछ ही दिनों में उनको आस्ते आस्ते ये बात समझ आ जाएगी कि जो उन्होंने देश के साथ किया है, जो उन्होंने नफरत फैलाई है, जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण किया है, लोगों को डराया है, धमकाया है, नफरत फैलाई है, वो इस देश को अच्छा नहीं लगा है। तो ये मुझे लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।